हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। फ्रेंड्स, सो मैंने पहनी आज पिंक कलर की साड़ी और मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ सीरीज़। हाँ जी, यूट्यूब से रिलेटेड सीरीज़ कि 6 महीने में मेरे कैसे 19,000 सब्सक्राइबर हुए और अभी तो 20,000 भी होने वाले हैं। 19,500 6 महीने में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ लोगों को दो दो साल तीन तीन साल लग जाते हैं 1K होने में, 1K सब्सक्राइबर नहीं हो पाते हैं, और मैंने 6 मंथ में ही 19,000 का सफ़र कैसे किया स्टार्ट, तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार और बहुत ही आसान ट्रिक से ये बहुत पॉसिबल होने वाला है। तो बने रहना व्लॉग में, स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 19,000 6 महीने में कैसे हुए। तो जो भी YouTube पे आना चाहता है और YouTube की वीडियो बनाना चाहता है, तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि चैनल क्रिएट कैसे करते हैं, और मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। मतलब हर कोई आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वीडियो ज़रूर देखना, पूरी एंड तक देखना कि कैसे 6 मंथ में 19,000 सब्सक्राइबर मेरे हुए। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि जब भी आप चैनल क्रिएट करते हैं ना, जीमेल आईडी से अपना यूट्यूब चैनल बना लीजिए। जब भी आप चैनल क्रिएट करते हैं ना, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में होता है ना, आप यूट्यूब के कैमरे से ही अपनी वीडियो को डालना, पोस्ट करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि यूट्यूब के जो कैमरे से वीडियो बनती है ना, मानती हूँ उसमें अच्छे अच्छे फिल्टर नहीं होते। लेकिन अगर आपको चैनल ग्रो करना है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि यूट्यूब के चैनल से, यूट्यूब के जो कैमरा होता है ना, प्लस पर आप जाते हैं और वीडियो क्रिएट करते हैं, तो यूट्यूब के चैनल कैमरे से ही वीडियो क्रिएट करो। और सबसे पहले जो स्टार्टिंग में ना, आप शॉर्ट शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करो। शॉर्ट वीडियो बहुत जल्दी वायरल होते हैं, बहुत जल्दी वायरल होते हैं, जिससे आपके सब्सक्राइबर भी बहुत सारे गेन हो जाते हैं। तो जो ये ट्रिक है ना, मैं सर बता रही हूँ, पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं बताई होगी किसी ने भी। बहुत जल्दी आपकी वायरल जो वीडियो होती है ना, वो यूट्यूब के कैमरे से अगर आप बनाओगे ना, तो मतलब एक तो होता है कि नॉर्मल बनाओगे तो 1K, 2K, 3K हो जाएंगे। लेकिन जब आप यूट्यूब के कैमरे से शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो ना, और ये चीज़ आप 15 दिन करके देखना, 15 दिन में आपका नया चैनल अच्छा खासा ग्रो ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। आप स्टार्टिंग में शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाओ, अपना पूरा टाइम देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई डांस वीडियो, कोई कुकिंग वीडियो, कोई कुछ भी हो ना, कुछ भी जो आपको लगता है कि यूट्यूब पर हम डाल सकते हैं, वो आप डालो, और आपकी जो चैनल है ना, एकदम ग्रो करेगा और वीडियो आपकी 100% and 200% वायरल ज़रूर होगी। ये मेरी ट्रिक है, मैंने भी की थी। मैंने जब इंस्टा की वीडियो डालती थी तो वो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे रही थी, क्योंकि वो फिर फिल्टर विल्टर लगा के वो जो बनती है, वो बाद में आप डाल सकते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में आप न्यू चैनल क्रिएट कर रहे हैं ना, तो आप क्या करो कि यूट्यूब का जो कैमरा होता है ना, यूट्यूब के कैमरे से ही प्लस पर जाके अपनी कोई भी वीडियो क्रिएट करो, शॉर्ट वीडियो, और डाल दो। शॉर्ट वीडियो मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आप शॉर्ट से स्टार्ट करो। शॉर्ट वीडियो बहुत जल्दी वायरल होती है, लॉन्ग वीडियो में टाइम लगता है। जब आपका अच्छा खासा चैनल के सब्सक्राइबर गेन हो जाए, फिर आप अपना व्लॉग, जो भी आप लॉन्ग वीडियो में शेयर करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। तो ये छोटू सी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, और इससे रिलेटेड और भी टेक्निकल वीडियो मैं लाती रहूँगी अपने इस चैनल पर, तो बने रहना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मतलब हुआ है फ़ायदा, और जो ट्रिक मैंने अपनाई है, हर कोई नहीं बताता है अपने सीक्रेट, बट क्या रखा है यार, बताओ। सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है, सब अपने अपने तरीके से ग्रो करते हैं। तो ये ट्राई करके देखना, एक बार ट्राई ज़रूर करना। जिसका भी कुछ ऐसा भला हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और जो ये छोटी छोटी ट्रिक है ना, जो सीक्रेट ट्रिक है ना, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिससे कि आप लोग देखना, मेरी बहुत सारी वीडियो वायरल भी हैं। पहले मैं शॉर्ट वीडियो डालती थी, और जो मेरी शॉर्ट वीडियो वायरल हुई थी ना, तो फिर वो मैंने डिलीट इसलिए की, क्योंकि जब हम एक बार पहला चैनल बनाते हैं ना, और जब हम मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं, तो हमें ये लगता है कि शॉर्ट वीडियो से मेरे को पहले कॉपीराइट का ना बहुत पंगा पड़ता था, मुझे समझ में आता है कॉपीराइट क्या होता है, मैं स्ट्राइक समझती थी कॉपीराइट को, तो मैंने सारी वीडियो डिलीट कर दी थी। क्योंकि जब मैं मोनेटाइजेशन के लिए भेज रही थी ना, तो मुझे लगा कि इसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी अपनी वायरल वीडियो को डिलीट कर दिया। बट मैं आपकी ये चीज़ें बता रही हूँ कि ये ऐसा होता ही होता है, आप ट्राई ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, बाई।